हाई एवरी वन वेलकम टू करंट फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे हिस्ट्री कैसे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं मैं इस पे कोर्सेज लेके आती हूं आपके जेके एस एस बी स्पेशलाइजेशन के जेके एस एस बी सुपरवाइजर के ठीक है तो स्पेशलाइजेशन की सीरीज जो है हमारी वो कवर हो गई है कम्पलीटली एंड उसमें करंटली मैराथन कम रिवीजन सीरीज चल रही है एंड जल्दी उसका एक एम सी क्यू का टेस्ट होगा एंड आपकी जो एम सी क्यू की सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है बाकी सिलेबस हमारा स्पेशलाइजेशन का पूरा कंप्लीट हो गया है अगर आप इन सब चीजों को मिस नहीं करना चाहते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जो कॉमेंट से शे बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं इनके इवन पी डी एफ

फ्रीडम स्ट्रगल से ठीक है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड पढ़ते रहे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री हमारा एक बार रिवीजन करते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ठीक है जिसको वी डी सरवार करने क्या कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस है ये उसके बाद क्या हुआ था आपका 1858 का एक्ट आया था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थी जो आपका आई एन सी जब ई आई सी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे एज ए प्राइवेट कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए सेवनटीन हंड्रेड्स में खासकर आपके स्पाइस का ट्रेड करने के लिए उसको टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट ने एंड आपकी जो ब्रिटिश की क्वीन थी उन्होंने कहा था कि अब इंडिया हमारे अंडर एडमिनिस्ट्रेट करेगी डायरेक्टली आ जाएगी अंडर अंडरग्राउंड रूल तो काफी इंपॉर्टेंट चेंज थी जो उस टाइम पे आई थी 1857 के उस रिवोल्ट के बाद ऑल दो रिवॉल्ट जो चाहता था वो उसने अचीव उस लाइन पे नहीं किया बट ब्रिटिश जगह जरूर लगा कि आने वाले टाइम में हमें ऐसा कुछ रिवोल्ट जो है वो अवॉइड करना है इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्योरली प्राइवेट ट्रेडिंग बॉडी एज ट्रेडिंग बॉडी इंडिया में आई थी और फिर यहाँ पे ग्रेजुअली उन्हें अपने पावर इंक्रीज किया था कहा की जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है उसने टेक ओवर किया एंड इंडिया को अंडर क्राउन रूल ले लिया था ठीक है 1858 उसके बाद हम आते हैं हमने कहा कुछ प्री आईएनसी हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पड़े जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो नाम मैंने आपको बताए फिर मैंने आपको कहा ये अलग अलग फेजेस में चलेगा 1885 में आपका कौन सा वाला फेज स्टार्ट हो गया कांग्रेस वाला ठीक है कांग्रेस में भी हमने देखा 1885 से लेकर 1905 तक आपका कौन सा वाला फेज़ रहा मॉडरेट्स का फेज़ रहा मॉडरेट यूजुअली आपके घर के बुजुर्ग आप वही मान लो मॉडरेट्स वही थे उनकी आइडियोलॉजी वही थी उनका क्या मेथड था उनका मेथड था थ्री पीज वाला पीस में आपका क्या आता है पहले आपका हो गया कि प्रेयर्स ब्रिटिशर्स की तारीफ करो कि हाँ फिर पटिशन दैट मीन्स आप क्या करोगे औरल या रिटर्न फॉर्म में जो अपनी रिक्वेस्ट है वो आगे पुट फॉर्वर्ड करोगे एंडपेक्शन और प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए उसको साइलेंट प्रोटेस्ट या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन uh, भी कहा जाता है ठीक है साइलेंटली अपनी बात जो है वो पुट फॉरवर्ड करोगे कोई वायलेंट मीन्स ऑफ स्ट्रगल आपका नहीं होगा ये इनके थ्री पीस के मेथड्स थे उसके बाद फिर नाइनटीन से हमने देखा थोड़ा बहुत किसका यहाँ पे डोमिनेंस आ गई यहाँ पे डोमिनेंस आ गई एक्सट्रीमिस्ट की तो ये आपका फेज चला 1905 से लेकर 1917 तक हम एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते हैं एंड उसके बाद हमें अभी आगे नहीं पढ़ा है वो हमें पढ़ना है फिर गांधी फेज जो आपका 1917 से लेकर नाइनटीन 7 तक चला इंडिपेंडेंस तक ठीक है और इसी बीच में क्या हुआ इस फेज के बीच में कुछ अलग अलग चीजें भी हुई एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म भी आया उसका फेज वन आया नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवन से लेकर नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटीन तक एंड फेज टू आया नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री से लेकर नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी वन तक ठीक है बीच में एक होम रूल मूवमेंट भी चली वो आपकी थी नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन से लेकर वन बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड जो है जिसके अंडर इंडिया था इंडिया जिसकी कॉलोनी थी दैट वॉज अ पार्टी टू वॉर तो उस वॉर की वजह से इंडिया में भी काफी चेंजेस मतलब इंडिया का भी असर उस वॉर पे हुआ जो हम आगे देखेंगे फिलहाल के लिए इतना जो हमने एक टाइमलाइन जो है हमने पढ़ी उसके बाद हमने देखा 1903 में क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे ठीक है बंगाल पार्टीशन उन्होंने क्या रीज़न दिया बंगाल इज़ टू लास्ट टू तो एडमिनिस्टर लेकिन एक्चुअली क्या रीज़न था उनको यूनिटी ब्रेक करनी थी जो फ्रीडम जो नेशनलिज्म का स्पिरट वहाँ अराइज हो रहा था बंगाल में उसको उनको ब्रेक करना था तो 1903 में जब उन्हें अनाउंस किया तो मॉडरेट्स ने एंटी पार्टीशन कैंपेन जो है हर जगह स्टार्ट कर दिया एंटी पार्टीशन नाइनटीन हंड्रेड फाइव तक आते आते मैंने आपको कहा एक्स्ट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट हो गया था तो ये चाहते थे कि जो चेंजेस हैं वो थोड़ी बड़ी लेवल पे हो जाएं ठीक है तो सेवन्थ अगस्त नाइनटीन हंड्रेड एंड फाइव को इन्होंने क्या किया टाउन हॉल कैलकाटा में मीटिंग हुई टाउन हॉल कैलकाटा में वहाँ पे इन्होंने पास किया एक बॉयकॉट रेजोल्यूशन कि हम बॉयकॉट करेंगे ठीक है तो वो इनके एम्स से रिलेटेड था डायरेक्टली जैसे मॉडरेट का एम क्या होता था इनका मेथड क्या था थ्री पीस वाला एंड इनका एम था सिर्फ सिविल रिफॉर्म्स का इनको कुछ रिफॉर्म्स वगैरह चाहिए थे इन लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना था लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनका स्टार्टिंग से ही क्या रहा है इनका स्टार्टिंग से ही रहा था पैसिव रेजिस्टेंस वाला पैसिव रेजिस्टेंस वॉयेंट नहीं होता है बट पैसिव रेजिस्टेंस मीन यही बाई मीनस ऑफ बॉइकआउट एंड ऑल तो वही उन्होंने यूज़ किया उन्होंने कहा टाउन हॉल कैलकाटा में मीटिंग हुई नाइनटीन में और उन्होंने कहा कि हमें आउट करना है जो ब्रिटिशर के गुड है ब्रिटिशर गुड यहाँ पे यूज होते हैं स्टार्ट किया मैनचेस्टर क्लोथ एंड लिवरपूल सोल्ट से ठीक है उसके उसके बाद 1905, उसके बाद 1905 1905 अगस्त में ब्रिटिशर्स ने फिर भी अनाउंस किया कि हम पार्टीशन करेंगे बंगाल का ठीक है तो ब्रिटिशर्स जो थे देवर अनमूव बाय उनके बॉयकॉट रेजोल्यूशन और जो भी हो रहा था तो ये सब के बाद 1905 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का कैलकाटा में सेशन हुआ था 1905 का बनारस में सॉरी सेशन हुआ था एंड इट वाज प्रेजाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है तो उन्होंने क्या कहा था गो, उस टाइम पे क्या हुआ था उन्होंने कहा था सपोर्ट किया था एंटी पार्टीशन कैंपेनिंग को वो एक एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च हो गई थी ठीक है ये हुआ था नाइनटीन में उसके बाद जो नाइनटीन का सेशन है नाइनटीन का सेशन कहाँ पे हुआ था कैलकाटा में एंड इट वॉज प्रेजाइडेड दादा भाई नेहरोजी ठीक है दादा दादाबाई नेहरोजी तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था ये इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था कि पहली बार एम ऑफ जो ये है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने कहा था स्वराज दैट इज सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हमें अपना रूल दे दो बेशक ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहे लेकिन हमारा अपना रूल होना चाहिए तो इन्होंने कहा था आईएनसी का गोल है स्वराज ठीक है ये पहली बार कब हुआ था नाइनटीन के सेशन में मैंने आपको कहा था याद रख लेना सिक्स एस ए सिक्स सी जैसा है कैलकाटा सी से डी दादा भाई इट वॉज प्रेजाइडेड बाई दादा भाई फिर 1907 में क्या हुआ था फिर जो भी मूवमेंट थोड़ी सक्सेसफुल होने लगी तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाए लेकिन मॉडरेट्स को था कि नहीं कोई ना कोई रिफॉर्म जो है ब्रिटिशर्स जरूरी लाएंगे तो एट दिस मूवमेंट हमें जरूरी नहीं है एट दिस मूवमेंट हमें जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरे इंडिया के लिए क्या करें इसको एक्सपैंड कर दें

ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था वो 1905 में नहीं हुआ था वो 1906 में हुआ था ठीक है वो बोलने में गलती हो गई थी तो वो आप वीडियोस में करेक्ट कर लेना तो ये था सारा पुराना रिवीजन जो हमने किया पढ़ा अभी तक उसका हाइलाइट्स डिटेल के लिए आपको वीडियोस देखने होंगे ये मैं साथ साथ हर वीडियो में इसीलिए कराती हूँ बिकॉज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बार बार रिकॉल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आप भी अपने नोट्स में अगर ऐसे नोट बनाओगे पुराने हमारे जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं ये सारा उसका एक फॉर्मेट आप बना सकते हो अपने नोट्स में ठीक है अच्छा हमने और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी ये तो था जो आ, इंडिया इंडियन साइड पे हो रहा था पार्टीशन के बाद गवर्नमेंट साइड से क्या हुआ था कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमने देखी उनकी ठीक है मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश उन्होंने की उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स लाए फिर पहले रिप्रेस करने की कोशिश की फिर कुछ रिफॉर्म्स लेके आए एंड फिर सप्रेशन हुई इस मूवमेंट की ठीक है एंड आहिस् मूवमेंट खत्म हो गई क्योंकि अब एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स भी अलग हो गए थे तो उन्हें क्या रिफॉर्म लाए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन या इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसको बोला जाता है

ये दो चीजें और फाइन तो और 1911 में क्या किया था फाइनली इन्होंने पार्टीशन की एनलमेंट हो गई थी एनलमेंट ऑफ पार्टीशन इन्होंने वो डिस्कार्ड कर दिया था पार्टीशन का एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ठीक है ये नाइनटीन हंड्रेड इलेवन में हुआ था तो ये हो गया सारी चीज़ें जो हमने अभी तक देखी फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत हमने रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी इंपॉर्टेंट एंड उनके साथ जो एसोसिएटेड नाम हमने पढ़े थे वो आपको सारे याद रखने हैं तो ये सारा टोटल हमने अभी तक पढ़ा उसका एक रिकैप था अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम अब किस एरा में आ रहे हैं हम आ रहे हैं नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवन टू ले नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटीन में ठीक है वो बैकग्राउंड में सूरज स्प्लिट वगैरह वो सारा चल रहा था वो अलग आइडियोलॉजी वो हम आईएनसी का पढ़ रहे थे उन्होंने क्या किया था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे थे फिर नाइनटीन हंड्रेड के साथ ही हमारा और एक एरा स्टार्ट हुआ था वो था रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का रेवल्यूशनरी नेशनलिज्म तो बैकग्राउंड में काफी चीजें चलती है ना तो ये कोई मूवी थोड़ी अगर एक सीन चल रहा हो तो वही सीन सिर्फ चलेगा अगर यहाँ से मॉडरेट्स कुछ करें तो वही कुछ करेंगे अलग अलग ऑर्गनाइजेशन भी उठेंगे अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग भी होंगे जो अलग ग्रुप्स बनाएंगे जो अलग बातें करेंगे वैसा ही एक अलग ग्रुप था आपका रशियन नेशनलिज्म वाला सॉरी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वाला तो इनके जो आइडियोलॉजी है ये कहाँ से ड्रॉ करते हैं ये ड्रॉ करते हैं अपनी आइडियोलॉजी उनको बोलते हैं रशियन नेहलिस्ट और आयरिश नेशनलिस्ट रशियन बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी रशियन एम्पायर में ठीक है नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी में जो चली थी एंड आयरिश नेशनलिस्ट थे जो आयरिश कॉलोनी थी अंडर ब्रिटेन ठीक है ये उनके प्रोटेस्ट के रिलेटेड था वो भी क्या डिमांड करते थे उनका भी क्या था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दो एंड देवर ऑल्सो सक्सेसफुल इन दिस और एनी बेसेंट जो थी वो चाहती थी इन्हीं लाइन्स पे जो है इंडिया को भी एज ए कॉलोनी बनाया जाए कि उनको भी सेल्फ रूल का जो है पावर वो दिया जाए ठीक है सेल्फ रूल का तो आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना रशियन नेहलिट एंड आयरिश नेशनलिस्ट जो थे यहाँ से अपनी आइडियोलॉजी ड्रा करते थे कौन आपके रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वाले फाइन तो इनका क्या मेथड था ये क्या मेथड यूज करते थे ये स्वदेशी डकॉयटीज करते थे डकैतियां जिनको बोलते हैं उर्दू में या हिंदी में स्वदेशी डकॉयटीज वहां से फंड्स वगैरह रेज करते थे और वहां से अपना काम जो है वो करते थे फाइन तो ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी तो एक वॉयेंट एक मूवमेंट रही है स्टार्टिंग से ही इनका आइडिया क्या था कि इनको स्ट्राइक करना है टेरर इन द हार्ट ऑफ द रूलर्स तो इनको स्ट्राइक करना था टेरर इनको उनको डराना था ठीक है स्ट्राइक टेरर जैसे एज ए पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म हमने क्या देखा है बॉम्ब्स वगैरह जो है वो फेंकते थे जहाँ से उनका प्रोसेशन जा रहा होता था ब्रिटिशर्स का ठीक है तो उनपे ये उनकी असेंबलीज पे उनके प्रोसेशन पे ये बॉम्ब अटैक वगैरह करते थे डायरेक्टली फायर भी करते थे मारा भी है इन लोगों ने कई ब्रिटिशर्स को तो ये सारे जो है मेथडोलॉजी ये यूज करते थे तो हमने इससे रिलेटेड चीजें कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखी अब हम देखते हैं इनकी एक्टिविटीज जो थी अलग अलग पार्ट्स में वो कैसी रही थी पहले हम देखेंगे एक्टिविटीज इन पंजाब अभी हम इंडिया का देख रहे हैं तो रेवल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो अब्रॉड में भी हुई इंडियंस इंडियंस ने सेट अप की जो अब्रॉड में रहते थे ठीक है और वहां से वो फिर हेल्प करते थे जो आपके इंडियन के इंडियन रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे फाइन तो वो सारी चीजें हमें इसमें देखनी है पहले हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं इंडिया में इन्होंने क्या क्या किया था तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्या रही पंजाब में तो इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है वो आप लिख लो अपने नोट्स में ए पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इन पंजाब ये नाम लिख लो लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय ही बॉट आउट अ न्यूज पेपर पंजाबी ठीक है एंड इसका मोटो था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट क्वेश्चन बन सकता है पंजाबी न्यूज़पेपर किसका था लाला लाजपत राय का ठीक है इसका मोटो क्या था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट ये इसका मोटो था ठीक है ये हमने पहली चीज देखी दूसरी अजीत सिंह अभी हम पंजाब में ही है ठीक है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अंजुमने मोहसबने वतन अंजुम लिहाज बने वतन लाहौर में एंड इनके जर्नल का नाम था भारत माता ठीक है थर्ड पॉइंट लिख लो कुछ लीडर्स के नाम जैसे आगा हैदर ये मैं आपको सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ ताकि जो चीजें एग्जाम में आने के चांसेस है अदरवाइज ये जो हिस्ट्री है काफी लंबी होती है इतनी शॉर्ट नहीं होगी हैदर रजा भाई परमानंद लालचंद फलक ये सारे नाम भी जो है जो पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी उनके साथ एसोसिएटेड हैं तो फलक जो हैं एक पोएट एक उर्दू थे ठीक है और काफी इम्पोर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे पढ़नी है वो एक गदर रेवोल्यूशन या गदर मूवमेंट बोलो वो एक गदर पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी वो गदर पार्टी काफी इंपॉर्टेंट थी इन्होंने अटैक लॉन्च करने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स पे बट ब्रिटिशर्स को पहले से इनके अटैक का पता चल गया था किसी ने ऐसा उनको बोला था तो ये जो है पार्टी सक्सेसफुल नहीं रही थी फेल हो गई थी लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये पढ़नी ज़रूरी है तो ये मैं आपको बताऊंगी गदर में हुआ क्या था बेसिकली लेकिन उससे पहले अभी हम रेवोल्यूशनरी देख रहे हैं एक्टिविटीज़ या रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो इंडिया में था तो हमने पंजाब में देखा कहाँ कहाँ पर हुआ था ये ठीक है उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट नाम है रास बिहारी घोष राज बिहारी घोष आप कंफ्यूज नहीं हो जाना मैंने आपको अभी बोला कि सूरत स्प्लिट जब हुआ था तो मॉडरेट जो था उस टाइम पे इट वाज वॉज बाय मॉडरेट लीडर वो राज बिहारी बोस थे और एक घोष चंग ठीक है तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे और वो जो हमने वहां पे पढ़े थे वो मॉडरेट थे तो वो भी ये भी इन्वॉल्व थे इसमें आपके गदर रेवोल्यूशन में एंड ही आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट फाउंड करने में इंडियन नेशनल आर्मी जो हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस हिस्ट्री कॉम्पोनेंट इंडियन नेशनल आर्मी जो फॉर्म हुई थी तो राजबहरी घोष एक इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे तो आपको याद रखना है ठीक है तो ये हमने इंडिया का देखा आप थोड़ा बहुत अब्रॉड का देख लेते हैं क्या क्या हुआ था वहां पे अब्रॉड में इन नाम देख लो पहला है श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने स्टार्ट किया था एक इंडिया हाउस 1905 में इन लंदन ठीक है एंड इनके जर्नल का नाम था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट द इंडियन सोशोलॉजिस्ट ठीक है दूसरी एक चीज दूसरा एक इंपॉर्टेंट नाम मैडम जी बिकामा मैडम जी बिकाजी कामा मैडम जी बिकाजी कामा एक पारसी लेडी थी एंड शी ऑपरेटेड फ्रॉम पेरिस एंड इनके जर्नल का नाम था बंदे मातरम तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है अभी मैं रिवाइज भी करवाऊंगी टुवर्ड्स द एंड तो लेकिन आपको भी साथ साथ याद रखना है एंड वीरेंद्र नाथ चट्टोपाठिया ही ऑपरेटेड फ्रॉम बर्लिन 1909 ऑनवर्ड्स ठीक है अब्रॉड में ये सारी चीजें प्लस जो आपका गदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप है ये भी आपका क्या था ये भी अब्रॉड का ग्रुप था ये चल रहा था आपका कहां पे सैन फ्रांसिस्को में ठीक है गदर ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था और इसके जो न्यूज़पेपर था वीकली उसका नाम था द गदर हाँ इसका जो हेडक्वार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को में था तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है गदर का हेडक्वार्टर कहां था वो सैन फ्रांसिस्को में था ठीक तो है तो ये काफी इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रखना होगा इसके साथ कुछ नाम याद रख लो लाला हरदयाल रामचंद्र भगवान सिंह बस ये तीन याद रख लो ठीक है बेसिकली एम क्या रहा है जो राइट्स थे आपके ठीक है इनका स्टार्टिंग से ही एम था कि इनको अटैक करना है जो ब्रिटिश ऑफिशल्स है उनको असासिनेट करना है इंडिया में ऐसा लिटरेचर लेके आना है जो थोड़ा बहुत इंसाइट करे लोगों के अंदर ये सारी फीलिंग्स फाइन रेवोल्यूशनरी मटेरियल जो है वो प्रिंट करना चाहते थे एंड ये आर्म्स इनको चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा आर्म्स जो है वो इनके पास आए और जो इंडियन हैं बाहर काम करते हैं ये ट्रूप्स स्टेशन अब्रॉड ये उनको उनके अंदर मतलब तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते थे एंड इन फैक्ट जो गदर पार्टी है ये ऑर्गेनाइज ही हुई थी इसके जो मेन रेवोल्यूशनरीज थे वो आपके एक्स सोल्जर्स एंड पेजेंट्स ही थे एक्स सोल्जर्स सोल्जर्सेंट जिन्होंने पंजाब से माइग्रेट किया था यूएसए एंड कैनेडा में फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ठीक है तो ये चाहते थे बाकी जो भी स्टेशन ट्रूप्स है इंडियन की जो इंडियन ट्रूप्स है स्टेशन आउटसाइड ये उनको भी मोबिलाइज करना चाहते थे फाइन इनको था ये असास्नेट वगैरह करना है ऐसा लिटरेचर प्रिंट करना है आर्म्स वगैरह इनको चाहिए थे बहुत सारे एंड आपको इसमें एक चीज याद रखने कि मूवमेंट जो थी ऑर्गेनाइजेशनिक ग्रुप जो था एक सेक्युलर ग्रुप था ठीक है तो इसमें वो रिलीजियस वाले जो एलिमेंट्स है वो कहीं पे नहीं थे ये सारी चीजें अब देखो गदर इन्होंने क्या किया इन्होंने टाइम डिसाइड किया कि हमें लॉन्च करेंगे अटैक लॉन्च करेंगे अटैक हम इंडिया पे इंडिया पे इन द सेंस वही आपके ब्रिटिशर्स पे यहाँ पे लॉन्च करेंगे अटैक लेकिन ब्रिटिशर्स को पहले से पता चल गया था इस वजह से जो मूवमेंट थी फेलियर थी सक्सेसफुल नहीं रही थी अब लेकिन इन्होंने वो डेट कैसे चूज की थी कि हम उस दिन ही क्यों अटैक करेंगे इससे पहले आपको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा कि हुआ क्या था ऐसा कि इन लोगों ने सोचा था कि नहीं दिस इज द राइट टाइम हमें अटैक करना है एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था नाइनटीन में ठीक है 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था तो ये इनके लिए जो था आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनको लगा था ये जो है ये एग्जैक्ट टाइम है क्योंकि ब्रिटिशर्स इस टाइम पे इंग्लैंड में से पार्टी टू द वॉर ठीक है तो उनको लगा था कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स खुद वीक है ये हमारे लिए सबसे एप टाइम रहेगा अटैक करने के लिए फाइन क्योंकि ऐसा होता है ना किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो रहा होता है वो ऑलरेडी उस टाइम पे काफ़ी वीक होता है या कोई ऐसी सिचुएशन में होता है तो वो ऑलरेडी काफ़ी वीक होता है तो उस टाइम पे अगर कोई तीसरा बंदा उस पर अटैक करे तो वो पूरे सेंसेस में नहीं होगा उस अटैक को रिटेलिएट करने के लिए जैसे इंग्लैंड जो था ऑलरेडी थोड़ा वॉर की वजह से परेशान था तो उनको लगा हाँ इस टाइम पर लोहा गर्म हम है हमें इसी टाइम पर इस पर वार करना चाहिए एक ये हुआ था इंसिडेंट वर्ल्ड वॉर की वजह से सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो आपको याद रखना है उसको हम बोलते हैं कुमगाटा मारू इंसिडेंट कोमागाटा मारू इंसिडेंट ये इंसिडेंस कोमागाटा मारू इंसिडेंस कब हुआ था आपका ये भी 1914 टू 15 अराउंड हुआ था 1914 टू 15 बेसिकली एक जापानी शिप थी जो हायर की थी एक इंडियन ने ट्रांसपोर्ट करने के लिए पीपल फ्रॉम सिंगापुर टू कनाडा सिंगापुर टू वैनकोर कनाडा लेकिन कनाडा में उस शिप को एंट्री नहीं मिली थी और उन्होंने वापस उसको डिपोर्ट किया था उनको भेजा था वापस कैलकटा और कैलकटा में क्या हुआ था उन पर फायरिंग हुई थी और वहां पे काफी लोगों की डेथ हुई थी कैलकटा अंडर ब्रिटिश था उस टाइम पे इंडियन कॉलोनी ठीक है तो उन पर फायरिंग हुई थी एंड वहाँ पे काफी लोगों की डेथ हो गई थी एंड ये जो इंसिडेंट्स था इसने भी इन किया था एक आप बोल सकते हो वो एक ट्रिगर किया था गाइट्स को अपना जो अटैक है वो फाइनल अटैक लॉन्च करने के लिए ये जो कोमागाटा मारू इंसिडेंट है याद रख लेना काफी इंपॉर्टेंट ये आ सकता है किससे रिलेटेड था फाइन एंड ये था क्या कोमागाटा मारू इंसिडेंट तो बेसिकली कुछ नहीं था ये शिप की थी जिसमें सिख एंड पंजाबी मुस्लिम्स थे वो सिंगापुर से वैनकुवर जाना चाहते थे लेकिन वैनकुवर में उनको एंट्री नहीं मिली थी उनको कैलकाटा वापस भेजा गया था एंड ऑलमोस्ट ट्वेंटी जो इमिग्रेंट्स है उनकी बाद में जान गई थी क्योंकि वहां पे उनको क्या किया था कैलकाटा में वहां पे कुछ भयरिंग वगैरह हुई थी जब उन्होंने एंट्री की थी कलकत्ता में ठीक है तो इन सब चीजों की वजह से जो गदर राइट्स हैं एक तो वर्ल्ड वॉर की वजह से एंड कोमागाटा मारो इंसिडेंट की वजह से उन्होंने फिक्स किया था फरवरी 21 1915 एज अ डेट ऑफ द अटैक जो वो इंडिया पे अटैक करेंगे लेकिन ब्रिटिशर्स को पहले से पता चल गया था इसकी वजह से वो एक मूवमेंट जो थी ये फाइनली ये फेल हो गई थी ठीक है कुमाघट अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो एंड फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कुछ साल पहले जो जस्टिन चिडियो है कनाडा के ठीक है प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या किया था उन्होंने माफी मांगी थी इंडियन से इस बात के लिए कहा था जो इंसिडेंट्स है मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ जो काफी साल पहले ऑल तो इनकी गलती नहीं थी पर उन्होंने इस, इस इंसिडेंट्स को भी हाईलाइट किया था अपने एक स्पीच में अगर आप न्यूज फॉलो करते हो जो कि आई एम श्योर आप नहीं करते हो वो ऐसा हुआ था वहां पे तब ठीक है तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस चीज़ के लिए तो कोमाकाटा मारो इंसिडेंट किससे रिलेटेड है आपके शिप थी जापानी शिप हार्ड बैन इंडियन टू तो ट्रांसपोर्ट आपके पंजाबी एंड मुस्लिम जो भी वहां पे इमिग्रेंट्स थे फ्रॉम सिंगापुर टू तो वैनकोर कैनेडा लेकिन ड्यू टू तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वहाँ एंट्री नहीं की थी दी थी एंड उनको वापस डिपोर्ट किया गया था कैलकाटा में जहां पर उनका बहुत ही ब्रिटिशर्स ने बुरा हाल किया था फायरिंग वगैरह हो गई थी ट्वेंटी टू इमिग्रेंट्स जो थे दे लॉस देयर लाइफ इसलिए मूवमेंट जो थी वो फेल हो गई थी ठीक है तो ये सारी चीजें इन एसोसिएट आप याद रखोगे कोमागाटा मारू इंसिडेंट से उसके बाद आगे चलते हैं अभी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हम यूरोप में देखते हैं थोड़ी बहुत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ये फॉर्म की थी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ठीक है वही से एक्टिव थे बर्लिन से मैंने आपको भी बताया था पहले भी ठीक है उसके बाद सिंगापुर में भी थोड़ा बहुत म्यूटिनी जो थी वो रेवल्यूशन नेशनलिज्म से रिलेटेड थी सिंगापुर में एक इंपॉर्टेंट नाम याद रख लो जमादार चिश्ती खान ये यूरोप का था आपका बर्लिन वाला ठीक है ये आपका सिंगापुर अलग है जमादार खान जमादार अब्दुल गनी सुबेदार खान। तो ये आपका पहला फेज था ये बनी थी 1915 में ठीक है तो ये पहला फेज था रेवोल्यूशन नेशनलिज्म का जो हमने देखा अब मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपका स्टॉप करते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इसमें भी याद रखोगे अब मैंने आपको कहा एक इंपॉर्टेंट इवेंट और एक हुआ था जो आपका वर्ल्ड वॉर वन था वर्ल्ड वॉर वन हमें वर्ल्ड वॉर वन तो यहाँ पे नहीं पढ़ना क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हमें इंडियन हिस्ट्री इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट ही देख रहे हैं ठीक है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुई एंड इंग्लैंड वॉज अ पार्टी टू दिस वॉर तो जो, तो जो यहाँ के मेन ग्रुप्स थे उनका भी कुछ रिएक्शन होता मॉडरेट्स का कुछ रिएक्शन होता ठीक है आपके एक्सट्रीमिस्ट का कुछ रिएक्शन था उस चीज को लेके कि हमें क्या करना चाहिए आपके का तो जब ये वॉर हुई मॉडरेट्स क्या चाहते थे मॉडरेट्स में आपको कहा घर के जो बड़े बुजुर्ग वो चाहते थे कि नहीं हमें क्या करना चाहिए हमें इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिश को वॉर के वॉर में ठीक है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिश को एक्सट्रीमिस्ट जो है मैंने आपको कहा वॉयेंट नहीं थी पैसिव रेजिस्टेंस थी पर इनको भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनकी भी यही इनका भी थॉट प्रोसेस था कि हमें सपोर्ट करना चाहिए बदले में ब्रिटिशर्स भी जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे एंड वो हो सकता है हम अगर अपनी सपोर्ट करें ब्रिटिश को कल को हमें सेल्फ गवर्नमेंट जो है स्वराज वगैरह वो मिल जाए टू तो अचीव स्वराज वी शुड सपोर्ट देम ठीक है एंड रेवोल्यूशनरीज का क्या था जैसे मैंने आपको कहा कुमाघाटा इसमें हमने गदर पार्टी में पढ़ा कि इनने कहा था ये एक राइप बेस्ट टाइम है हमें वेज करने के लिए वॉर ऑन द ब्रिटिश टू वेज वॉर ऑन द ब्रिटिश और फ्री करना अपनी कंट्री को तो ये तीन रिएक्शन है जो तीन मेजर ग्रुप से यहाँ पे मॉडर्स ने कहा सपोर्ट करो एक्सट्रीमिस्ट ने कहा हाँ सपोर्ट करो बदले में सेल्फ गवर्नमेंट दे देगी ब्रिटिश एंड रेवल्यूशनीस ने कहा नहीं हमारे लिए एप टाइम है वेज करने के लिए वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड इससे क्या हो जाएगा हमारी कंट्री जो है फ्री हो जाएगी ये इनका रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स द वॉर ठीक है यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं ठीक है देखते हैं आगे हम कितना कवर कर पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में सोचा टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे